दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो बना रहे हैं वाक्य शुद्धि पार्ट 10। वाक्य शुद्धि के ऊपर लगातार अनेक वीडियो बना चुके हैं। ये अधिक वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना ही है कि आप अधिक से अधिक उन अशुद्धियों को जान सकें जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और आप उन सभी को दूर कर सकें आसानी के साथ में। तो ये उसी सिलसिले में वीडियो है और वाक्य शुद्धि की ये लास्ट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सबसे आग्रह, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उदाहरण आपको देखने में बहुत सामान्य उदाहरण लगेंगे, लेकिन बहुत छोटी छोटी वाक्यगत, शब्दगत, मात्रागत इस तरह की अशुद्धि है जिनको आप गंभीरता से देखेंगे तो पकड़ पाएंगे और आसानी से इनको समझ पाएंगे, ताकि किसी भी परीक्षा में, चाहे वो प्रतियोगी हो या अकादमिक हो, उसमें आप गलतियां न कर सकें। बहू घर की लक्ष्मी होती है, शुद्ध होगा बहू घर की लक्ष्मी होती है। अशुद्ध है निखिल अपने घर वापस चला गया, शुद्ध होगा निखिल अपने घर वापस चला गया। अशुद्ध है लिखाई दुरुस्त हो तो अंक भी अच्छे मिलते हैं, शुद्ध है लिखाई दुरुस्त हो तो अंक भी अच्छे मिलते हैं। अशुद्ध है मालन मंदिर में के सामने फूल बेचती है, शुद्ध है मालिन मंदिर के सामने फूल बेचती है। अशुद्ध है मंजू ने कक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं, शुद्ध है मंजू ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। अशुद्ध है शशिकांत कृष्णकांत का बड़ा भाई है, शुद्ध है शशिकांत कृष्णकांत का बड़ा भाई है। अशुद्ध है कठिनाई से जूझकर मनुष्य उन्नति करता है, शुद्ध होगा कठिनाई से जूझकर मनुष्य उन्नति करता है। अशुद्ध है भालुओं का जोड़ा जंगल में विचरण करता है, शुद्ध है भालुओं का जोड़ा जंगल में विचरण करता है। अशुद्ध है निरपराधी व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, मिलना अन्याय है, शुद्ध है निरपराध व्यक्ति को दंड मिलना अन्याय है। अशुद्ध है साप्ताहिक पत्रिका समसामयिक ज्ञान का स्रोत है, शुद्ध है साप्ताहिक पत्रिका समसामयिक ज्ञान का स्रोत है। अशुद्ध है हिंदी देवनागरी लिपि का ही रूप है, शुद्ध है हिंदी देवनागरी लिपि का ही रूप है। अशुद्ध है संसारिक समस्या भाव भातृभाव में कमी व संप्रदायवाद है, शुद्ध है सांसारिक समस्या भ्रातृभाव में कमी व संप्रदायवाद है। अशुद्ध है बाल मुकुंद एक अच्छा गणितज्ञ है, शुद्ध होगा बाल मुकुंद एक अच्छा गणितज्ञ है। अशुद्ध है छिपकली कीड़े मकोड़े खाकर पेट भरती है, शुद्ध होगा छिपकली कीड़े मकोड़े खाकर पेट भरती है। अशुद्ध है सरकारी अनुदान कृषकों को राहत प्रदान करता है, शुद्ध है सरकारी अनुदान कृषकों को राहत प्रदान करता है। अशुद्ध है शिविर लगाकर साक्षरता संबंधी ज्ञान दिया जा सकता है, शुद्ध है शिविर लगाकर साक्षरता संबंधी ज्ञान दिया जा सकता है। अशुद्ध है दुर्गा सिंह वाहिनी देवी शक्ति का प्रतीक है, शुद्ध है सिंह वाहिनी दुर्गा देवी शक्ति का प्रतीक है। विशेषण संबंधी कुछ अशुद्धियां इस प्रकार हैं। उसे भारी प्यास लगी है, बहुत आना चाहिए, उसे बहुत प्यास लगी। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घनिष्ठ आना चाहिए घोर की जगह। मुझे बड़ी भूख लगी है, बहुत आना चाहिए बड़ी की जगह। यह एक गहरी समस्या है, गहरी की जगह गंभीर आना चाहिए। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, बहुत या बहुत भारी होना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं, ये होना चाहिए। इस वीरान जीवन में नीरस होना चाहिए, उसकी बहुत हानि हुई, यानी कि बड़ी हानि हुई। अब देखिए, ये ऐसी अशुद्धियां हैं जो वाक्य के अनुसार ठीक शब्द का चयन या प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है, इस कारण ये अशुद्ध है। तो इनको आप थोड़ा गंभीरता से देख लीजिए, किस
वाक्य के साथ, किस शब्द के साथ, किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए ताकि वाक्य शुद्ध रहे। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा आगामी बुधवार को। दूध का अभाव चिंतनीय है, चिंतनीय की जगह चिंताजनक है। वह लड़का मोटर हांक सकता है, हांकने के बजाय चला सकता है। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, पाने लेने के बजाय। वे 10-12 पशु उठा ले गए, यहां हांक ले गए। राधा ने माला गूंथ ली, या ने है वैसे तो गूंथ ली कीजिए, गूंथ ली। अपना हस्ताक्षर लगा दो, यानी कर दो, लगा दो कीजिए। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, किया होना चाहिए। हमें यह सावधानी लेनी होगी, बरतनी होगी। वहां घना अंधेरा घिरा था, छाया था। अब वे संबंधी कुछ अशुद्धियां इस प्रकार हैं। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, तथापि होना चाहिए। पुस्तक विद्वता पूर्ण लिखी गई है, विद्वता पूर्वक लिखी गई है। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, आसानी से। स्नेह उसको सफलता मिलने लगी, स्नेह स्नेह का प्रयोग होगा दो बारी तभी वाक्य शुद्ध होगा। एकमात्र तो उपाय है, केवल दो उपाय है। यह पत्र आपके अनुसार है, अनुरूप है। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, कदापि भी हटा दीजिए, यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। वह अत्यंत ही सुंदर है, वह अत्यंत सुंदर है, ये हटा दीजिए। सारे देश भर में अकाल है, सारे देश में अकाल है। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, कि आएगा जब, हटा दीजिए। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां कुछ इस प्रकार हैं। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूल की माला पहनाई, फूलों की एक माला पहनाई होना चाहिए। भीड़ में चार पटना के व्यक्ति भी थे, पटना के चार व्यक्ति थे, यह होना चाहिए वाक्य। कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, बैंक के कई कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। आप जाएंगे क्या, क्या आप जाएंगे, यह होना चाहिए। द्विरुक्ति पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो, बशर्ते या शर्त है कि, इस तरह से होना चाहिए। वह अभी शैशव अवस्था में है, शैशव यानी कि शिशु अवस्था। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, मध्यकाल मध्य युग। यौवन अवस्था की बुराइयों से बचो, यौवन युवावस्था। साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है, लेखिकाओं महिला लेखकों। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, युवकों नौजवानों। आपका भौदीय, आपका भौदीय। प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए, प्रातःकाल या प्रातः समय। राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है, अधिकांश यानी कि अधिक भाग। वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े, परस्पर एक दूसरे से। शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, अस्त्र होता है बाण। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र, यह शस्त्र होता है। चिड़िया गा रही है, चहक। गाने के बजाय चहक रही है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, का अभ्यास या का रियाज करता है। सोहन नित्य दंड मारता है, दंड पेलता है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, उम्र या अवस्था होनी चाहिए। धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा, सौभाग्य कांक्षणी। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, कर्मवीर। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो वाक्य शुद्धि को लेकर के। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। किसी विशेष टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।